विकास की सरकार है। यही एक एक छोटे छोटे जगहों पे विकास की ये धारा बह रही है। लाडली बहनें हजारों की संख्या में आई हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारा नेतृत्व इस समय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें बात करें राशि योजनाओं के जो तमाम हितग्राही हैं उन्हें प्रदान करते हुए, बहुत ही गौरवमय पल। बिल्कुल, जिस तरह से ये बहनाएं, ये महिलाएं हम सभी के बीच से उठकर, आप सभी के बीच से उठकर आज यहाँ पहुंची हैं, जहाँ कितना भावुक, ये अगर आप देखेंगे कितना प्रसन्नतामयी, भावुक और एक कई सारे जो भावनाएं हैं वो क्षण है ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी आया है और उसे ये आशीर्वाद कि वो इस प्रदेश देश का नाम रोशन करे और आसमान की हर उस ऊंचाई को छुए जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। ये एक बेहद गौरवान्वित कर देने वाला क्षण, हम सभी के लिए सौभाग्य, हम सभी के लिए गौरव का विषय, जहां पर हितग्राहियों को ये प्रस्तुत किया गया। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए माननीय वन मंत्री जी श्री राम निवास रावत जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्योपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाडली बहनों को, महिलाओं को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से दी जा रही है। ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी सौगात आज विकास कार्यों का, यहां पर भूमि पूजन किया है, लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। मंच की ये तस्वीरें आपके सामने, 332 करोड़ की लागत से यहां पर विकास कार्यों का स्वागत किया जा रहा है। श्योपुर से ये तस्वीरें आपके सामने मंच की, देखिए। इसके साथ ही लाडली बहनों को आज बड़ी सौगात, 1500 रुपए की राशि भी आज खाते में महिलाओं के ट्रांसफर की जा रही है। देखिए, हर महीने 10 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारत माता की, भारत, जरा जोर से, भारत माता की, भारत माता की, जवल सियावर रामचंद्र की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित महाकाल के कृपा पात्र, महाकाल के सेवक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के बहनों के भैया, परम आदरणीय मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देंगे। उनके स्वागत के लिए विजयपुर की जनता से अपील करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मोहन भैया का स्वागत करें। जोरदार तालियों के, तालियां बजती रहे लगातार। हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के यशस्वी जनप्रतिनिधि सांसद रहे, देश के पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में हमारी विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में, मुरैना जिले के विकास में अपनी महती भूमिका और महती योगदान दिया है, परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जिनके प्रयासों से ये योजना की स्वीकृतियां हमें मिली हैं। हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के पंचायत मंत्री और केंद्र में रहे पूर्व मंत्री परम आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जो पंचायत विभाग संभालते हैं, उन्होंने भी हमें करोड़ों रुपए दिया है विजयपुर क्षेत्र के विकास के लिए। उनके लिए भी निवेदन करता हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय प्रहलाद सिंह जी का। आदरणीय कृषि मंत्री जी इंद्र सिंह कंसाना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे कहूंगा, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके विभाग की हमारी समस्याएं उन्हें वो जरूर निपटाएंगे और हमारे क्षेत्र के हैं। आप सब लोगों से अपील करूंगा कि उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय जाट साहब, अब मैं सबका नाम लूं, सबसे क्षमा चाहता हूं,
आदरणीय हमारे बीच में हमारे प्यारे और विजयपुर से विशेष स्नेह करने वाले और ये कहने वाले कि अभी मैं विजयपुर के लिए हूँ, आगे फिर पूरा जिला देखूंगा, हमारे ऐसे सांसद माननीय शिव मंगल सिंह जी, उनका भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। मंच पर उपस्थित सम्मानित वर्तमान विधायक, सम्मानित पूर्व विधायक, सम्मानित संगठन के कार्यकर्ता, सम्मानित अधिकारीगण, और चलिए बढ़ते आगे। और